आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बाढ़ आते ही उजड़ गया चरिंद और परिंद का घोंसला, मदद के नाम पर सरकार का सारा दावा निकल रहा है खोखला। डॉक्टर एचएन पटेल, समाजवादी पार्टी विधायक सगड़ी। आजमगढ़ जिला के सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवारांचल एरिया में जबरदस्त बाढ़ का प्रकोप छाया हुआ है। ऐसे में बाढ़ से घिरने वाले लोग किसी तरह से भागकर बंधे पर तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी बाढ़ के अंदर उनके जानवर फंसे हुए हैं। जो जानवर किसी तरह से बाहर निकल भी आए हैं, उनके लिए चारा की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो बाढ़ के अंदर अपने घरों में पड़े हैं, उनके लिए रात के अंधेरों में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे जहरीले सांप बिच्छू का खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, जहां बाढ़ के अंदर मकानों में रहने वाले लोग भोजन के लिए तरस रहे हैं, वहीं बंधे पर जानवर चारा के लिए तड़प रहे हैं। मीडिया से यह बात बताते हुए समाजवादी पार्टी के सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन पटेल ने कहा कि आज 6 रोज हो गया है सरकार से गुहार लगाते हुए, लेकिन न तो बाढ़ क्षेत्र के अंदर उजाले के लिए मिट्टी का तेल या मोमबत्ती की व्यवस्था हो पाई है, और न ही बाढ़ से बाहर निकलने वाले जानवरों के लिए चारे की कोई व्यवस्था हो पाई है। सरकार का सारा दावा हवा हवाई है। इनसे जब भी कहा जा रहा है, यह लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था हो रही है, लेकिन 6 दिन से न तो पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था हो पाई है, और न ही बाढ़ के अंदर फंसे हुए लोगों के लिए लाइट का कोई इंतजाम हो पाया है। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के सगड़ी तहसील के साड़ी भदौरा ढाले पे, जहां सगड़ी विधायक समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एचएन पटेल साहब हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आइए जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं, क्या निदान हुआ। बताएं सर, आप क्षेत्र बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, यहाँ की जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या और क्या समाधान हो पाया है, आगे रास्ता क्या बचाव का? ये समस्याएं तो बहुत हैं, समाधान कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, आप किन किन क्षेत्रों का दौरा किए सर? मैं तो 5-6 दिन आ जाए बंधे पे ही हूँ, मतलब मौला से लेके और हैदराबाद तक। मूलभूत समस्याओं में कुछ बताएं सर। मूलभूत समस्याएं मेन है कि जो बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र हो गए, यानी बाढ़ जब आ जाती है तो बिजली काट दी जाती है। दिन तो गुजारा हो जाता है उनका, लेकिन रात में अंधेरे में कैसे गुजारा करते हैं? न उनके पास बिजली है, न मिट्टी का तेल एक मिलता था, सरकार ने वो भी बंद कर रखा है। ले दे के मोमबत्ती का सहारा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई उपाय नहीं किए गए कि हाँ मोमबत्ती भी एक कम से कम मानवता बस ही बांट दी जाए, लेकिन वो भी नहीं बांटी गई। हाँ, सरकार तो कह रही है कि जनरेटर लगा के हम उजाले की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार से तो हमने आज हो गया 4th रोज मांग करी थी, तो सारे जगह जनरेटर, कुछ जगह हैं जैसे मान लीजिए कि अब बाढ़ के अंदर जो गाँव हैं वहाँ पर तो जनरेटर पहुँच नहीं पाए। इस बंधे पर 2-4 जगह जनरेटर दिख रहे हैं जिससे उजाले हो रहे हैं, लेकिन गाँव जो बाढ़ के अंदर गाँव हैं वहाँ पे जनरेटर नहीं पहुँचा। रोड पे जो जनता है, जानवर हैं, इनके लिए मेन देखिए जनता जो है वो तो अपना कहीं ना कहीं से इंतजाम कर रही है, लेकिन 5 दिन से उनके जो जानवर भूखे हुए हैं उनके लिए मैं 2-3 दफ़े हम प्रशासन से मांग करी कि कम से कम भूसा का इंतजाम आप कर दो। हाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं अभी जा रहा हूँ आ रहा हूँ, लेकिन कहीं भी भूसे का इंतजाम नहीं है। एक तो 10-15 महिलाएँ हमको पकड़ ली कि साहब जरा हमारे भैंस की नाद में देख लीजिए क्या है, कुछ भी नहीं था उनमें चला गया है। और ये पानी इतना ज़्यादा था कि 1998 से को भी ये इस बार की बाढ़ क्रॉस कर गई, तो ये तो इस तरह से दैवीय आपदा कहा जाएगा। लेकिन इसको समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रयासों से कम किया जा सकता था। जैसा कि आपने देखा, क्षेत्रीय विधायक सगड़ी समाजवादी पार्टी से चंद पटेल, आपने बताया कि जो मूलभूत समस्याएं हैं आज भी जहां की तहां मुहबाए खड़ी हैं, प्रयास किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी 6 रोज से ये डेरा डाले हुए हैं इस बंधे पे, लेकिन सरकार की तरफ से जनता को कुछ मुहैया हो जा रहा है जो बंधे पे हैं, लेकिन जानवरों के लिए कोई चारे की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए जितना जल्द हो व्यवस्था करे सरकार, इन्होंने सरकार से मांग किया है। न्यूज 9 भारत के लिए साड़ी भदौरा से रोशन लाल। हाँ सर, आप लोग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं,
कुछ काम तो आप लोग भी चंदा चुटकी से कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस संबंध में हमसे जो बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और शायद आपको जानकारी होगी कि जो मोहला पे बंधा कटा है वहाँ आप जानकारी ले सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ सर, ये समाधान कैसे हो सकता है? समाधान देखिए, ये घोर, हम तो कहेंगे कि घोर लापरवाही प्रशासन की है और ख़ास करके सिंचाई विभाग की है। वो अगर चेते होते समय से तो आज हमको ये दिन न देखना पड़ता। नहीं, जैसे ये बाढ़ जाने का वक्त है, ऐसी हालत में बाढ़ आई है। अभी देखिए, अभी मैं आपको बता दूँ, बीइंग ए डॉक्टर बता दूँ कि अभी तो समस्याएँ कम हैं, लेकिन जैसे ये पानी हटेगा सारी बीमारियां जितनी भी होती हैं घुमा फिरा के, मलेरिया हुआ, काला आजार हुआ, डेंगू हुआ, निमोनिया हुआ, इस तरह की सारी बीमारियां अपना प्रकोप दिखाना शुरू करेंगी। इसके लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।